शर्म आनी चाहिए आप लोग को। कैसे माँ बाप है आप लोग, बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं हॉस्टल में और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुरा लेते हैं। आपको पता है इससे बच्चों के मन पर कितना बुरा असर पड़ता है? माँ बाप के रिश्तों का असर सीधे बच्चों के मानसिकता पर पड़ता है। आप लोग को समझ में नहीं आता, आप लोग के सेपरेशन की सजा भुगती है उर्मी ने। जब उसे प्यार की जरूरत थी, आप लोग अपने अपने झगड़ों में बिजी रहे। कितना गलत असर पड़ा है उर्मी के दिमाग पर, समझ में नहीं आता। माँ बाप को अलग ही होना है तो हो जाए, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाए। आओ बेटा, है आप इस रजिस्टर पे साइन कर। आंटी मैं स्कूल कब भी जाऊंगा? तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ, फिर जरूर भेजेंगे आपको स्कूल। हमारा बेटा स्कूल जाना चाहता है? हाँ पापा। हम अपने बेटे को बहुत जल्द स्कूल भेजेंगे। मिस्टर सक्सेना, आपने इसके एजुकेशन के बारे में क्या सोचा है? बीमारी से पहले ही स्कूल जाया करता था, फिर आपने बंद क्यों करवाया? दूसरे बच्चों को भागते फिरते देखकर क्या ये कॉम्प्लेक्स नहीं होगा? और फिर मैं इसे किसी अपंग स्कूल में भेजना नहीं चाहता। और अगर वक्त यूं ही गुजरता जाएगा तो शायद इसे इसके उम्र से कम उम्र के बच्चों के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। तब डॉक्टर देवकी, आपको क्या लगता है ये कब तक ठीक हो जाएगा? कुछ कह नहीं सकते। मेरे ख्याल से आपको इसको किसी स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहिए। दूसरे बच्चों के साथ? मिस्टर सक्सेना, अगर ये दूसरे बच्चों को देखेगा हंसते हुए खेलते हुए कूदते हुए, तो शायद इसके मन में उमंग पैदा हो जाए और ये ठीक हो सकता है। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। बस मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि बिना किसी कॉम्प्लेक्स के मेरा बच्चा ठीक हो जाए। आपको मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। बाय। अच्छा बेटे, ऑफिस चलता हूँ। ओके बाय। भोला, इसकी दवाई लाना। कहाँ चला गया? एक मिनट। हाँ बेटा, अभी आई। अरे चाचा। हाँ? वो क्या कर रहे हो? वो नीचे टीवी है और उसमें कांच का सामान है। हाँ, उसमें घास डाल देंगे। अरे घास डाल देंगे, पर वो सामान में जो कांच का सामान है ना, उसमें कप है, उसमें ही साहब चाय पीते हैं। अच्छा भोला, ये सब क्या पैकिंग हो रही है? अरे डॉक्टर नहीं, आपको नहीं मालूम, साहब का वो प्रमोशन हो गया है। एक दो दिन में हम लोग नए घर में रहने जाएंगे। अच्छा, लेकिन साहब तो अभी भी गए, कुछ बताया नहीं मुझे। वो बहुत काम है ना, भूल गए होंगे। मैं पता बता दूं? हाँ। वो आपने वर्सोवा देखा ना? हाँ। तो वर्सोवा जाते हैं, वहाँ बड़ा मैदान है, वहाँ पे एक मंदिर है। मंदिर से आगे ऐसे ऐसे गली जाती है। वो गली में? वो गली में नहीं जाना, वो गली आप छोड़ दीजिए, उससे आगे एक गली है, उसमें जाइए। हाँ। वहां जाएंगे तो और अंदर एक ऐसे ऐसे और गली है। हाँ। वहां एक दूध की दुकान है, सागर दूध वाला। वहां मत जाना, वो मेरे चाचा की दुकान है। वहां से थोड़े 20 कदम आगे जाओगे। हाँ। तो वहां पे एक बंगलो है। अच्छा, वो बंगले में? नहीं नहीं, वो बंगलो नहीं, वो बंगलो भी आप छोड़ दो। और थोड़े आगे गए तो वहां मंजीनिस की दुकान है, वहां से और। भोला, मैं समझ गई, थैंक यू। हाँ चाचा, मैंने तो अभी आधा ही पता बताया, ये डॉक्टर नहीं समझ कैसे गई? डॉक्टर नहीं है ना, होशियार होगी। चलो जल्दी करो चाचा। हाँ हाँ चलो।
काश मैं तुम लोगों को घर ले जा सकती। कोई बात नहीं दीपाली, हम कुछ देर होटल में रुकेंगे, फिर शाम की फ्लाइट से वापस चले जाएंगे। ये गाड़ी रोको प्लीज। अब क्या होगा बादल? मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता रहूंगा। रुपए पैसे की चिंता मत करना, बस उर्मी का ख्याल रखना। दीपाली, मैं जानता हूं कि श्रीधर बहुत रईस आदमी है, लेकिन उर्मी को पैसों की नहीं प्यार की जरूरत है। पैसा उसकी खोई हुई इज्जत लौटा थोड़ी ना सकता है। तुम फिक्र मत करो, आओ बेटा। कहीं जा रही है? हाँ माँ, वो कुमार है ना, उनके साथ डिनर पे जा रही हूँ मैं। कौन कुमार? वो फिल्म स्टार? हाँ माँ, इज सच अ नाइस पर्सन। हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं ना साथ में। ओह ग्रेट। उन्होंने दो तीन जगह मेरा नाम भी रिकमेंड किया है। तो वो तुम्हारा वेल विशर है? हाँ लगता तो ऐसे ही है। क्या लगता है भाई, किसको? हमको भी तो मालूम पड़े। अंकल वो कुमार है ना, फिल्म स्टार कुमार, उनके साथ मैं डिनर पे जा रही हूँ। ओके बाय अंकल। बाय मामा। बाय, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू। तुम किस सोच में पड़ गए अमूल? नहीं कुछ नहीं, यूं ही प्रतिमा को देखकर मुझे कुछ फिक्र सी होने लगती है। क्यों? देख रहा हूं वो आजकल कुमार के नाम की माला सी जपती रहती है। तो उसमें क्या गलत है अमोल? मुझे लगता है जैसे उसके दिल में कुमार के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो रहा है। अमोल, प्रतिमा उम्र के जिस दौर से गुजर रही है वहां साथी की जरूरत महसूस होती है। सुभा, लेकिन हर अरे गहरे को या हर इंसान को आप अपना साथी तो नहीं बना सकते ना? अमोल, कुमार को प्रतिमा इस वक्त जज्बाती तौर पर टूटी हुई कमजोर है। मैं नहीं चाहता इस वक्त इस कमजोरी की वजह से वो दोबारा वही गलती करे या इस कमजोरी की वजह से कोई उसका नाजायज फायदा उठाए। प्रतिमा समझदार है अमोल। हाँ वो समझदार है, सिर्फ इतना कह देने के बाद हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। सुलभा, उसे अगर कोई भी आज की तारीख में अपने बारे में निर्णय लेना है तो मेरे ख्याल से उसे तुम्हारे और मेरे तजुर्बे का फायदा उठाना चाहिए। तुम बेकार इतना सोच रहे हो। अगर अभी से नहीं सोचा गया ना तो यह चिंगारी बाद में आग बन सकती है। सुलभा, मुझे मालूम है बाद में फिर इस आग को बुझाना हमारे लिए नामुमकिन होगा। All right. मैं उससे बात करूंगी। ओके?
आओ आओ। चाय कॉफी बनाओ। नहीं नहीं मन नहीं है, तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठो। बेटा ये सामान लेकर तुम ऊपर जाओ। आकांक्षा, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी उर्मी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हम फिर कभी बात करेंगे। नहीं, फिर कभी नहीं। मैं इस बोझ से जितनी जल्दी मुक्त हो जाऊं उतना ही मेरे लिए अच्छा है। आखिर उर्मी मेरी बेटी है, मेरा ही खून है, और एक बाप जो अपनी बेटी के लिए करता है, मैंने उसके लिए कभी नहीं किया। इस मामले में जीत दीपाली की हुई है, मैं हार गया। संबंधों के बीच हार जीत कहां से आ गई? सच तो यही है ना, अगर उर्मी मेरे साथ रहती तो शायद यह हादसा कभी होता नहीं। उसकी सारी जिंदगी उसके सामने पड़ी है, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम अब तो मैं बाप का फर्ज निभाऊं। उर्मी की इस हालत के लिए कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं। मैं तुम्हारे फर्ज के रास्ते में नहीं आऊंगी। आकांक्षा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और मैं चाहता हूं कि तुम उर्मी को वही दो जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। वो टूट चुकी है आकांक्षा, उसे प्यार की जरूरत है। मैं पूरी कोशिश करूंगी। ऐसे नहीं, ठीक से रखो। हाँ एक मिनट डॉक्टर जी। कितना खूबसूरत सजाया है इस घर को, कितनी दिलचस्पी ले रही है देवकी इस घर को संवारने में। कितनी ज्यादतियों के बाद भी उसने बुरा नहीं माना। पापा, क्या मुझे नए दोस्त मिलेंगे ना? हाँ बेटा क्यों नहीं, एक बार घर ठीक ठाक हो जाए फिर हम बाजू वाले से पूछेंगे क्या कौन कौन से बच्चे हैं। ओके बोला जी। तुमने मार्केट का पता लगाया? सब पता कर लिया। अपने पड़ोस में श्रीवास्तव जी रहते हैं, बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने मुझे सब बता दिया और कहा कोई चीज की जरूरत हो तो मेरे घर से ले लेना। गुड। देवकी जी काफी देर हो गई है, अगर आप चाहें तो घर जा सकती हैं। वहाँ थोड़ा काम पड़ा है, उसे निपटा लूँ फिर चली जाऊँगी। ओके, थैंक यू। वेलकम।
सर आपके सुबह से बहुत सारे फोन आए थे। किस किस के फोन थे? मैंने नोट करके रखे हैं, उनमें से एक प्रतिमा पाटिल का फोन आया था। सर प्रतिमा पाटिल वही ना फिल्म स्टार? हाँ जी वही फिल्म स्टार, हमारे जय बाबू की वाइफ, सॉरी एक्स वाइफ। ठीक है तुम जाओ। मैं कुछ ज्यादा बोल गया क्या? भाभी जी को फोन तो कर ले। नहीं वर्मा, जो संबंध पहले से बिखर चुके हैं उनको पूरी तरह बिखर जाने दो। मेरे समझ में नहीं आता वो फोन क्यों करती रहती है। शायद संबंधों को फिर से जोड़ने की कोशिश में। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता वर्मा। कितनी अजीब बात है, कल तक जो अपने दे जिनकी कस्में खाई जाती थी वो आज बेगाने हो गए। इसकी वजह भी प्रतिमा है, मैं उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल देना चाहता हूं। लेकिन क्या तू उसे अपने दिल से निकाल पाएगा? निकाल दिया है, उसका वजूद भी मेरे आसपास नहीं है, ना मेरे मन में ना मेरे घर में। अरे बोला आया। ये शिवम के कपड़े रख देना जी, और ये भी। बहुत ही सुंदर तस्वीर है। तस्वीर है पापा के साथ। तुम्हारी मम्मी तो बहुत सुंदर दिखती है बेटा। मेरी मम्मी इससे भी ज्यादा सुंदर है। Really? अच्छा बताओ इसे हम कहाँ सजाएंगे? यही सजा दो। यहाँ पे? ओके। डॉक्टर नहीं, आप क्या कर रहे हैं? क्यों? नहीं बड़े साहब, अगर घर में मेम साहब की तस्वीर देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। कुछ भी नहीं होगा ऐसे, और फिर शिवम ऐसा ही जाता है ना? देखिए डॉक्टर नहीं, मुझे 24 घंटे इस घर में रहना है, आप तो सुबह आती हो और शाम को चली जाती हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की कौन सी बात है, मैं आऊंगी तब तस्वीर लगा लूंगी, मेरे जाने के बाद तुम उतार देना। ओके ठीक। क्यों शिवम कैसे रहा आइडिया? सुपर हिट। दे ताली। गुड। फुल करके लेना। ओके स्टार्ट साउंड, रोल कैमरा एक्शन। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धब्बा, यू आर नथिंग बट अ बोर, ऑर्थोडॉक्स मिडिल क्लास मेंटालिटी माई फुट, और मुझे तुमसे तलाक चाहिए, आई वॉन्ट अ डिवोर्स। मैं तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी कर दूंगी, मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊं। हमारा बच्चा कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे साथ रहेगा, सुना तुमने? कट इट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेल डन मैडम। आप लोग थोड़ी देर आराम कीजिए, तब तक मैं दूसरा सीन अरेंज करता हूं। ओके ओके चलें। कम हाय। वैसे प्रतिमा कमाल का शॉट दिया तुमने, शॉट में जान डाल दी। वैसे ये डाइवोर्स कितनी अजीब सी बात है ना? इसमें अजीब क्या है? एक जमाना था जब लोग समझा करते थे कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक रहता है, और अब एक ये जमाना है जब ये रिश्ता 1 जन्म तक नहीं रहता। एक कागज के टुकड़े पर दस्तखत करके आप इस रिश्ते को कभी भी तोड़ सकते हैं। अच्छी बात है ना, शरीर का कोई हिस्सा अगर सड़ जाए तो उसे काट कर फेंक देना ही अच्छा है।